पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ संगीता सिंह। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे देश में मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और जो मीडिया की टीम है वो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में जुटी हुई है। जो मीडिया के कर्मचारी हैं वो अपनी जान पर खेलकर फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई से एक ऐसी खबर आई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। दरअसल जो 53 पत्रकार हैं जिनमें रिपोर्टर्स और कैमरामैन शामिल हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद देश भर में जो पत्रकार हैं उनमें चिंता जग उठी है और उन्होंने इसी तरीके से जो दिल्ली में है सीएम केजरीवाल से जो पत्रकारों के मास टेस्ट की मांग की गई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों के मास टेस्ट की जो है इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब दिल्ली में पत्रकारों के टेस्ट किए जाएंगे और इसके साथ ही जो पत्रकारों को जो अपनी तरफ से जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं चैनलों में, इसके साथ ही उनके टेस्ट के लिए जितने भी जरूरी प्रबंध हैं वो सरकार करेगी। अब कोरोना की चपेट में आए कोरोना वॉरियर मीडिया कर्मी। मुंबई में 53 पत्रकार निकले कोरोना पॉजिटिव। 167 पत्रकारों का किया गया था कोरोना का टेस्ट। बीएमसी के अधिकारी ने की पुष्टि। महाराष्ट्र में कोरोना बरपा रहा है कहर। देश भर में कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस घातक वायरस से देश के डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी अछूते नहीं रहे। वहीं कोरोना वायरस के कहर के बीच पत्रकार भी अपनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जनता तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इस बीच दुखद खबर है कि मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इन पत्रकारों में कुछ टीवी रिपोर्टर्स हैं, कुछ कैमरामैन हैं और कुछ फोटोग्राफर्स हैं। टीवी पत्रकारों के एसोसिएशन ने मंत्रालय और अन्य रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अपील के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को मीडिया कर्मियों के लिए विशेष स्क्रीनिंग शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से मुंबई प्रेस क्लब के पास 16 और 17 अप्रैल को टेस्टिंग के लिए शिविर लगाया गया था, जिसमें करीब 167 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनमें से 53 पत्रकारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जगदाले ने एक न्यूज एजेंसी में इसकी पुष्टि की है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि अधिकांश मामलों में कोई लक्षण देखने को नहीं मिले हैं और अब इन सभी को घरों में ही क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया है कि अन्य लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी और भी मीडिया कर्मी पॉजिटिव आ सकते हैं। देश भर में महाराष्ट्र में कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ रही है। यहां 4200 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। रविवार को एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 552 मामले सामने आए। रविवार को ही संक्रमण से राज्य में 12 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 222 हो गई है। राज्य में ठीक होने के बाद 507 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी भी मिल चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 72,023 नमूनों की जांच हुई है, इनमें से 67,673 में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। कुल 87,254 लोगों को घरों में ही क्वारंटीन किया गया है, जबकि 6,743 लोगों को प्रशासनिक क्वारंटीन में रखा गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना फिलहाल थमता दिख नहीं रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के 14,175 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 17,265 कंफर्म केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के चलते 543 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। राज्य में हर दिन भारी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या राज्य में 4200 के पार पहुंच गई है। मीडिया के लोग लगातार कोरोना से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन पत्रकारों की है जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना वॉरियर इन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ लाजमी कदम उठाना बेहद जरूरी है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।